हेलो एवरी वन वेलकम टू हिलूस कोचिंग हिमाचल दिस इज पार्ट फाइव ऑफ एच पी इकोनॉमिक सर्वे टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी प्रीवियस पार्ट में हमने चैप्टर नंबर सेवन दैट इज एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एनालाइड एक्टिविटीज डिस्कस किया था जिसका एक पार्ट फॉरेस्ट रह गया था जो कि हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट हिमाचल प्रदेश में 37,947 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती हैं जो कि हिमाचल के टोटल जोग्राफिकल एरिया का 68.16 परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है लेकिन हिमाचल का फॉरेस्ट कवर है 28.6 परसेंट एंड एज़ पर एस टी जीज दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने ये टारगेट रखा है कि हमने इस फॉरेस्ट कवर को बढ़ाकर थर्टी परसेंट करना है बाय द ईयर ट्वेंटी थर्टी हिमाचल की फॉरेस्ट वेल्थ को अगर हम एस्टिमेट करें तो इट कम्स टू बी अराउंड 1.5 लाख करोड़ तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के बाद से तीन ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनकी कल्चरल फेलिंग शुरू हो गई है स्टेट में ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस और ये तीन स्पीशीज़ हैं खैर चील एंड साल दीज आर वेरी दिट कैन बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ये तीन स्पीशीज के नाम और ये ही की जाएंगी थ्री रेंजेस में दैट इज नूरपुर रेंज नूरपुर फॉरेस्ट डिविजन में फराड़ी रेंज बिलासपुर फॉरेस्ट डिविजन में एंड पांटा रेंज पौंटा फॉरेस्ट डिविजन में अब स्कीम्स देखते हैं गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन द फर्स्ट वन इज स्मृति वन योजना ये एक ऐसी स्कीम है जिसे गवर्नमेंट ने शुरू किया है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए टूवर्ड्स ट्री प्लांटिंग तो इसके इस स्कीम इस के अंडर जो कोई भी लोग हैं वो अपनी बर्थ या मैरिज एनिवर्सरी पे या किसी की डेथ एनिवर्सरी पे कोई भी प्लांटेशन कर सकते हैं ट्री का नेक्स्ट है सामुदायिक वन संवर्धन योजना ये स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू की है लोकल कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन इंश्योर करने में ताकि जो फॉरेस्ट है उन्हें कंजर्व किया जा सके और डेवलप भी किया जा सके और फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज किया जा सके विद्यार्थी वन मित्र योजना ये स्कीम लॉन्च की गई है स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करने में अबाउ अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए नेक्स्ट स्कीम इज़ वन समृद्धि जन समृद्धि योजना ये एक कॉम्युनिटी uh, पार्टिसिपेशन के लिए स्कीम है इसमें जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उन्हें एंगेज किया जाएगा इस स्कीम में और उन्हें ट्रेन किया जाएगा नॉन टिम्बो फॉरेस्ट प्रोड्यूस के कलेक्शन के लिए कंजर्वेशन के लिए और मार्केटिंग के लिए इससे डुअल uh, बेनिफिट्स uh, होंगे एक तो जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं और रूरल पॉपुलेशन है उनकी इनकम में, में बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ फॉरेस्ट भी कंजर्व होंगे ये स्कीम सेवन डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च की गई है हिमाचल प्रदेश में एंड दो डिस्ट्रिक्ट्स आर मंडी चंबा शिमला किन्नौर कुल्लू लाहौल स्पीति एंड सिरमौर एक बेटा सॉरी एक बूटा बेटी के नाम ये स्कीम 2019-20 में भी लॉन्च की गई है टू सेंसिटाइज पीपल अबाउट टू मेजर इश्यूज वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ डॉटर्स एंड सेकेंड इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन इस स्कीम के अंडर जब भी किसी के घर बेटी का जन्म होगा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन्हें एक सेपलिंग गिफ्ट करेगा अलोंग विद अ किट एंड इंस्ट्रक्शन पैम्फलेट जिससे आ, जो पेरेंट्स होंगे वो इस सेपलिंग को प्लांट करेंगे वो ये चाहें तो अपनी पर्सनल जमीन पर भी इसे प्राइवेट लैंड पर भी प्लान कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट लैंड पर भी प्लान कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट है फॉरेस्ट इकोसिस्टम को रिहैबिलिटेट करने का और अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज ये प्रोजेक्ट uh, इंप्लीमेंट किया जा रहा है विद द असिस्टेंस ऑफ जर्मनी द नेम ऑफ द कंपनीज के एफ डब्ल्यू ये दो डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किया जा रहा है इन चंबा एंड कांगड़ा 2015 2015-16 से और ये सेवन इयर्स लॉन्ग प्रोजेक्ट है इसका जो टोटल कॉस्ट है वो है 308.45 करोड़ रुपीस और फंडिंग पैटर्न है 85.1 फाइव पॉइंट वन जीरो परसेंट लोन होगा और फोर्टीन पॉइंट नाइन परसेंट स्टेट शेयर होगा नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इको सिस्टम्स मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट फॉरेस्ट और माउंटेन इको सिस्टम के कंजर्वेशन के लिए यह प्रोजेक्ट है और साथ ही साथ जो लोकल कम्यूनिटीज हैं उनके लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है विद द असिस्टेंस ऑफ जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका फॉर एट ईयर्स यानी कि आठ साल तक ये प्रोजेक्ट चलेगा इसे लॉन्च किया गया है टू थाउजेंड एटी नाइनटीन में यानी कि यह चलेगा टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स तक इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट है एट हंड्रेड करोड़ रुपीज़ और इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है इन द डिस्ट्रिक्स ऑफ बिलासपुर कुल्लू मंडी शिमला किन्नौर लाहौल स्पिति और इसके अलावा चंबा डिस्ट्रिक्ट के दो ट्राइबल एरियाज पांगी और फरमौर में फंडिंग पैटर्न है एटी परसेंट लोन एंड ट्वेंटी परसेंट स्टेट शेयर प्रोजेक्ट के हेड क्वार्टर इस्टेबलिश किए गए हैं शमशी कुल्लू में और रीजनल ऑफिस है रामपुर शिमला में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिजिलियंट रेनफेड एग्रीकल्चर इस प्रोजेक्ट के अंडर टू लाख हेक्टेयर नॉन एरेबल और ट्वेंटी थाउजेंड हेक्टेयर एरेबल लैंड को ट्रीट किया जाएगा और यहाँ से वाटर प्रोडक्टिविटी uh, और मिल्क प्रोडक्शन एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट ये सब प्रोजेक्ट जो है वो भी इम्प्लीमेंट किए जाएंगे ताकि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके uh, जो उनका लाइवलीड है वो बेटर हो सके इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट है सिक्स फिफ्टी करोड़ और ये सपोर्ट किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडिंग पैटर्न है एटी परसेंट लोन ट्वेंटी परसेंट स्टेट शेयर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होगा सेवन ईयर्स के लिए और ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा नाइन हंड्रेड ग्राम पंचायत में शिवालिक एंड मिड हिल्स एग्रो ज़ोन्स में टोटल जोग्राफिकल एरिया में से फाइव पॉइंट एट थ्री लाख हेक्टेयर जो है वो नेट सोन एरिया है हिमाचल में इरीगेशन पोटेंशियल जो है वो है थ्री पॉइंट थ्री फाइव लाख हेक्टेयर जिसमें से पॉइंट फाइव लाख हेक्टेयर को इरिगेशन के अंडर लाया जा सकता है अंडर मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और टू पॉइंट एट फाइव लाख हेक्टेयर को इरिगेट किया जाएगा थ्रू माइनर इरिगेशन स्कीम्स दिसंबर टू तक टू लाख हेक्टेयर एरिया को ऑलरेडी अंडर इरीगेशन फैसिलिटी लाया जा चुका है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स देखते हैं आप हिमाचल में तो इकलौता मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो हिमाचल का है वो है शाह नहर प्रोजेक्ट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जा चुका है और ये इरिगेट कर रहा है 15,287 हेक्टेयर लैंड को मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हिमाचल में है चंगेर बिलासपुर बल वैली मंडी में ये दो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा प्रोजेक्ट है सिद्धांथा कांगड़ा में जिसका काम अभी चल रहा है इसके अलावा दो मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट्स और हैं फिन्ना सिंह और नदौन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जिनका काम भी इन प्रोग्रेस है 2019-20 के लिए गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि उन्हें 1,000 थाउजेंड हेक्टेयर एरिया अंडर मेजर एंड इरीगेशन मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लेकर आना है तो दिसंबर 2019 तक गवर्नमेंट 850 फिफ्टी हेक्टेयर एरिया को अंडर मेजर एंड मीडियम इरिगेशन स्कीम्स ला चुकी है फ्लड कंट्रोल वर्क्स में स्वान रिवर और चौंचखड़का चैनलाइजेशन का जो काम है वो इन प्रोग्रेस है नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सेम चैप्टर में ही नेक्स्ट पार्ट है स्टेट नॉलेज सेल ऑन क्लाइमेट चेंज ये इस्टेब्लिश किया गया है शिमला डिस्ट्रिक्ट में और इसका ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की असिस्टेंस से इसको इस्टेब्लिश किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के असिस्टेंस से अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इको और इसके लिए जो बजट सेंक्शन किया गया है दैट इज़ टू करोड़ और ब्यास रिवर बेसिन के लिए क्लाइमेट चेंज वन असेसमेंट कंडक्ट करवाया गया था जिसमें फोर डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए गए थे कुल्लू मंडी हमीरपुर एंड कांगड़ा जिसमें कि 1200 सौ पंचायत को कवर किया गया था नेक्स्ट इज एनवायरमेंटली साउंड सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी क्रिएशन ऑफ मॉडल इको विलेजेस इस प्रोग्राम के मॉडल इको विलेजेस क्रिएट किए जाएंगे जो कि सस्टेनेबल होंगे और उनका जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होगा वो मिनिमल होगा uh, इसमें 50 लाख ,00 की जो लागत से 50 लाख ,00 की लागत से इलेवन uh, विलेजेस uh, को डेवलप किया जाएगा एज़ मॉडल इको विलेजेस ओवर द पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में इस और सरकार ने क्या कदम उठाए हैं तो गवर्नमेंट ने काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए अबाउट इफेक्ट्स ऑफ पॉलीथीन कैंपेन्स हैं जैसे कि पॉलिथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ या और स्वच्छता ही सेवा इसके साथ गवर्नमेंट ने नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक वेस्ट की बायबैक पॉलिसी भी इनिशिएट की है जिसको हम पार्ट वन में हमने स्टेट की अचीवमेंट्स में देखा था कि गवर्नमेंट सेवेंटी फाइव रुपीज़ पर के जी इस फिक्सड मिनिमम रेट पे नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक को लोगों से खरीदती है और इसे साइंटिफिकली डिस्पोज किया जाता है या तो इसे रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाएगा या फिर इसे सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में एज फ्यूल यूज़ किया जाएगा और इसके अलावा गवर्नमेंट ने थर्मोकोल और प्लास्टिक कटलरी को पूरी तरीके से बैन कर दिया है स्टेट में नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट सेंक्शन अंडर नेशनल अडेप्टन फ़ंड क्लाइमेट चेंज ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के तीन ड्रॉट प्रोन डेवलपमेंट ब्लॉक्स में और नेशनल अडेप्टन फ़ंड फॉर क्लाइमेट चेंज के अंडर हिमाचल प्रदेश में एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया है uh, बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया है जिसकी वर्थ है ट्वेंटी करोड़ रुपीज और ये प्रोजेक्ट है रिड्यूसिंग ग्लेशियल आउटबर्स्ट एंड फ्लड रिस्क इन पार्वती वैली ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट बायोमिथेनेशन प्लांट स्टेब्लिश किया जाएगा कुफरी शिमला में जिसमें की हॉट स्टंग और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कन्वर्ट uh, किया जाएगा बायोगैस या फिर बायो सी में और इसकी जो बजटरी प्रोविजन है वो है वन पॉइंट फोर करोड़ रुपीस इसके अलावा एन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट के और क्या इनिशिएटिव्स हैं शिमला और मनाली में नॉइस uh, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने हॉर्न नॉट ओके कैंपेन शुरू किया है और एक मोबाइल ऐप शोर नहीं को भी लॉन्च किया गया है बायो रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के, के लिए Uh, एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसके अंडर गवर्नमेंट ने मंडी और शिमला की दो रजिस्टर्ड सोसाइटीज फार्मर्स की दो रजिस्टर्ड सोसाइटीज को तीन प्लांट्स के uh, uh, सेबलिंग्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और वो तीन स्पीशीज हैं वेलरियाना कुट एंड दमसुक रोज नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर टेन विच इज इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग नवंबर 2019 तक हिमाचल में टोटल वर्किंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे 54,310 जिसमें से 140 फोर्टी लार्ज स्केल यूनिट्स हैं और 628 मीडियम स्केल यूनिट्स हैं और बाकी जितने भी बचे हैं वो हैं MSME यूनिट्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने दो स्टेट ऑफ आर्ट्स इंडस्ट्रियल एरिया अप्रूव किए हैं एक है पंडोगा ऊना में कदरौड़ी कांगड़ा में और अभी एक और अप्रूव किया गया है चनौर कांगड़ा में सेरिकल्चर इंडस्ट्री तो हिमाचल में फोर्टीन सिल्क यान रीलिंग यूनिट्स हैं कांगड़ा और बिलासपुर में पाँच पाँच यूनिट्स हैं हमीरपुर मंडी ऊना सिरमौर यहाँ पर एक एक यूनिट है छः सीमेंट प्लांट्स हैं हिमाचल प्रदेश में ए का बरमाना में और बिलासपुर टू टू यूनिट्स हैं अंबुजा के कशलोक सोलन में दो यूनिट्स हैं अल्ट्राटेक का बाघ भलख सोलन में एक यूनिट है और सी का राजपिन सिरमौर में एक यूनिट है और इसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल को नेशनल लेवल पर नंबर वन स्टेट डिक्लेयर किया गया है अमंग फास्ट मूविंग स्टेट्स। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर टेन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन में से 30.05 परसेंट हिमाचल में मेन वर्कर्स हैं 21.8 मार्जिनल वर्कर्स 48.15 परसेंट नॉन वर्कर्स और आउट ऑफ द टोटल वर्कर्स में से परसेंट कल्टिवेटर्स है 4.92 एग्रीकल्चरल लेबरर्स है 1.65 पॉइंट हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में एंगेज है और 35.5 परसेंट जो है वो अदर एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयड है मिनिमम वेजेस हिमाचल में गवर्नमेंट ने 225 से बढ़ाकर टू फिफ्टी पर डे कर दिया है और ये गवर्नमेंट ने वेजेस बढ़ाए थे ऑन फर्स्ट अप्रैल 2019 यानी कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से स्किल डेवलपमेंट अलाउंस की स्कीम के अंडर गवर्नमेंट एलिजिबल अनएम्प्लॉयड यूथ को उनके स्किल अपग्रेडेशन के लिए अलाउंस देता है दैट इज़ वन थाउजेंड पर मंथ और इसके अलावा फिफ्टी परसेंट या फिर उससे ज़्यादा की अगर किसी को परमानेंट फिज़िकल डिसेबिलिटी है तो ऐसे लोगों को फिफ्टीन हंड्रेड पर मंथ का अलाउंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और यह अलाउंस दिया जाता है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए फॉर द पीरियड ऑफ टू ईयर्स अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम के अंडर एलिजिबल अनएम्प्लॉयड यूथ को गवर्नमेंट 1000 पर मंथ का अलाउंस uh, देती है और 50 परसेंट या उससे ज़्यादा की स्पेशल एबिलिटी के केस में इंडिविजुअल्स को 1500 पर मंथ का अलाउंस मिलता है फॉर द पीरियड ऑफ टू इयर्स हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ये गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है uh, जिसका मिशन है कि फिफ्टीन से थर्टी फाइव ईयर्स तक की जो यंग जनरेशन है स्टेट की हमें उन्हें एम्प्लॉयबल स्किल्स इम्पार्ट करने हैं इस ये जो निगम है हिमाचल में ये प्राइमरी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए और साथ ही साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है उसके लिए ये स्टेट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर भी है इस निगम का इमीडिएट गोल ये है कि 2018 से लेकर 2022 तक इन्हें इस निगम को वन लाख ,00 यंग मैन एंड वमेन की स्किल्ड वर्क को ट्रेन करना है अब हम देखते हैं कि एच पी के वी एन ने क्या क्या प्रोग्राम्स इनिशिएट किए हैं तो इन्होंने एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस इस्टेब्लिश किया जा रहा है इस निगम के द्वारा वाकना घाट सोलन डिस्ट्रिक्ट में जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है सिक्सटी एट करोड़ और ये असिस्टेंस इसमें मिल रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक का और प्रोजेक्ट ये हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर डेवलप किया जा रहा है इस इंस्टीट्यूट में हाई क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर इसके अलावा बाकी प्रोग्राम्स जो हैं एच पी के वी एन के हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर इंग्लिश इम्प्लाइबिलिटी एंड ऑन्टरप्रीनियोरशिप स्किल्स अपग्रेडेशन ऑफ़ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इन फिफ्टी आई टी आईज वुमेन पॉलीटेक्निक रेहान एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थ्रू गवर्नमेंट आई टी आईज ये जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस वाला uh, जो प्रोग्राम है इट कैन बी क्रूशल फ़ॉर प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिशन कि सेंटर कहाँ पर डेवलप किया जा रहा है और uh, इस सेंटर में uh, किस चीज़ से रिलेटेड जो है वो ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाएगी लेकिन ये वाले जो प्रोग्राम्स हैं ये प्रोग्राम्स आप चाहें अगर क्वेश्चन आता है आपको एच के वी के ऊपर मेन्स एग्जामिनेशन पे तो वहाँ पर आप ये मैंशन कर सकते हैं प्रिलिमिन्री एग्ज़ाम्स के लिए आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट इज़ लाइवलीहुड बेस्ड स्किल ट्रेनिंग ऑफ पर्सन विद डिसबिलिटी तो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का एक और जो प्रोग्राम है उन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है नवधारणा धारणा ये एक लाइवलीहुड बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें जो फिज़िकली डिसेबल्ड लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट और ऑन्टरप्रिनरशिप स्किल्स उनमें डेवलप किए जाएंगे इस स्कीम के अंडर सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिलिमिन्री एग्जामिनेशन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नवधारणा किस चीज़ से रिलेटेड है या फिर पूछ सकते हैं कि जो फिज़िकली डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम एच पी केवीआर ने लॉन्च किया उसका नाम क्या है और मीनस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर इलेवन दैट इज पावर हिमाचल प्रदेश का एस्टिमेटेड हाइड्रो पावर पोटेंशियल है 27,436 मेगावाट लेकिन इसमें से सिर्फ 24,000 मेगावाट ही हार्नेस किया जाएगा जो बैलेंस uh, है रिमेनिंग कैपेसिटी uh, है उसको हिमाचल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उसे हम जाने देंगे उसे हम uh, हार्नेस नहीं करेंगे और इसके रीजन्स है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ कोर्स और अभी तक हिमाचल में टेन मेगावाट तक की जो पावर है वो हार्नेस की जा चुकी है वेरियस सेक्टर्स में जो वेडियस प्लेयर्स हैं पावर सेक्टर में हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कौन uh, किस सेक्टर ने कितनी कैपेसिटी हार्नेस की है अभी तक वो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर दिस कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन और प्री में आप ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हार्नेस जो है वो किसने किया है एंड यू विल सी कि इसमें जो टोटल हार्नेसिंग होता है दैट इज़ टेन मेगावाट बाकी जो uh, किस सेक्टर ने कितना हार्डनेस uh, किया है दैट यू कैन सी रीड फ्रॉम द टेबल नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम फ्री एंड इक्विटी पावर यानी कि अभी तक हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कितना रेवेन्यू रिसीव किया है तो थर्टी फर्स्टर टू थाउजेंड नाइनटीन तक स्टेट गवर्नमेंट ने एट फिफ्टी करोड़ रेवेन्यू रिसीव किया था पावर सेक्टर से और मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव करोड़ एडिशनल रेवेन्यू रिसीव किया होगा पॉलिसी अमेंडमेंट्स किए गए हैं कुछ पावर सेक्टर में हमने आ, चैप्टर नंबर टू में जब इन्वेस्टमेंट्स uh, की बात की थी तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि पावर सेक्टर में कुछ चेंजेस किए हैं कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने तो वही उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं तो नाइनटीन नाइनटीन नाइन टू थाउजेंड नाइनटीन को गवर्नमेंट ने uh, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं तो उस चेंजेस के अकॉर्डिंग पेनल्टी गवर्नमेंट ने डिसाइड की है मिनिमम ट्वेंटी थाउजेंड पर मेगावाट या फिर ट्वेंटी लाख मतलब ट्वेंटी थाउजेंड पर मेगावाट से लेकर ट्वेंटी लाख पर मेगावॉट तक अगर इक्विटी में कोई चेंज करता होता है या फिर क, जो कंपनी है यानी कि जो कंपनी पावर प्रोड्यूस कर रही है वो अपना नाम बदलती है विदाउट सीकिंग द प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट सुन्नी डैम प्रोजेक्ट लोहरी स्टेज वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जिसकी कैपेसिटी है टू हंड्रेड मेगावाट और धौला स्थित हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिक्सटी मेगावाट इन के केसेस में गवर्नमेंट ने डेट इक्विटी रेशियो को बढ़ाकर एट्टी ट्वेंटी जो है वो अलाउ कर दिया है यानी कि एट्टी परसेंट डेट और ट्वेंटी परसेंट इसमें इक्विटी हो सकती है इन पावर प्रोजेक्ट्स में और इसके अलावा लोहरी स्टेज वन धौला सेद एंड डुगर जो ये है प्रोजेक्ट्स हैं इसमें गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि जो एस जी एस टी होगा स्टेट जी एस टी होगा उसका फिफ्टी परसेंट इन प्रोजेक्ट्स को रीमबर्स कर दिया जाएगा और साथ ही फ्री पावर रॉयल्टी में भी कुछ कंसेशंस इन्हें अलाउ किए गए हैं प्रीवियस फिस्कल ईयर में यानी कि नाइनटीन ट्वेंटी में कौन कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कमीशन हुए तो तीन प्रोजेक्ट्स कमीशन हुए थे ज्यूरी 9.6 पॉइंट सिक्स मेगावाट रौरा ट्वेल्व मेगावाट एंड राला थर्टीन मेगावाट इसके अलावा दो प्रोजेक्ट जो हैं वो मार्च 2020 तक कमीशन होने के लिए एक्सपेक्टेड थे जिसमें कि सालुम 9 मेगावाट है और कुवारसी 2 15 मेगावाट है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड डिपार्टमेंटल स्कीम्स हैं ये कुछ जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दी स्कीम्स आर नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर द प्री एग्जामेशन अगर आप चाहें तो इन स्कीम्स को कहीं मीन uh, एग्जामिनेशन में डिस्कस कर सकते हैं हाउस दीज स्कीम्स आर नॉट दैट मच क्रूशल सो आई विल नॉट बी डिस्कसिंग दीज स्कीम्स दीज स्कीम्स यू कैन पॉज दिस स्लाइड एंड नोट देम डाउन और रीड देम इफ यू वांट और आप चाहें तो इन्हें मीन्स में कहीं पर यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्री प्रिलीलिमिन्री एग्जामिनेशन इज़ ओके पावर प्रोजेक्ट्स की क्या कैपेसिटी है कौन से पावर पावर प्रोजेक्ट की कितनी कैपेसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्री में पूछा जाता है तो ये जो प्रोजेक्ट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो एग्जीक्यूशन स्टेज पर हैं और ये एच हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड इन पावर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है तो यू कैन सी प्रोजेक्ट का नाम एंड कैपेसिटी स्टेटस जो है इस प्रोजेक्ट का इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट सिंस इट वाज गिवन इन द इकनॉमिक सर्वी इन द टेबल सो आई हैव मैंशन इट हियर अदरवाइज यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट ऑल यू हैव टू फोकस ऑन इज द प्रोजेक्ट नेम एंड द कपेसिटी राइट right, ये डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन आता है इसमें कुछ समझने वाला नहीं है सीधा प्रोजेक्ट का नाम होगा और आपसे उसकी कैपेसिटी पूछी जाएगी नेक्स्ट इज द प्रोजेक्ट्स विच आर अंडर ऑपरेशन और एग्जीक्यूशन बाय एच पी पी सी एल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंडर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आ, उनकी अब ये लिस्ट है अगेन इसमें से आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि एच पी पी सी एल के अंडर कौन है या एच पी एस सी बी एल के अंडर कौन सा है मेन जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि प्रोजेक्ट का नाम और उसकी कैपेसिटी कितनी है मेक श्योर दैट यू मेमराइज द नेम्स एंड कपैसिटी ऑफ ऑल दिज प्रोजेक्ट्स गिवन इन द इकनॉमिक सर्वे नाउ इन द ला इन देंड विल टॉक अबाउट द सोलर पावर प्रोजेक्ट तो हिमाचल में दो सोलर पावर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हुए हैं एक है बहरादौल बिलासपुर में यह नैना देवी के नज़दीक इस्टेब्लिश किया गया है जिसकी कपैसिटी है फाइव मेगावाट और दूसरा है अगलोर ऊना में जिसकी कपैसिटी है टेन मेगावाट सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो If you have got any questions or doubts, do ask them in the comment box. Thank you so much for watching.